Welcome back everyone to the lecture 2 of class physics. And in the last class we discussed about charge. We found a formula to calculate the charge, which was Q is equals to Ne, where N is the number of electrons and E is the charge of an electron, and where E is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. In this class we will discuss how charge flow in a material or metal or a conductor. अब हमें पता है कि हमारे पास दो तरह के चार्ज हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्ज. नाउ इफ चार्ज फ्लो, सपोज पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. नाउ सपोज दिस चार्ज इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. सपोज चार्ज इज हियर, नाउ इट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, सो whenever charge is flowing, there will be a current. When charge flow there will be a current there will be a current Now suppose we have a negative charge. Now this is the negative charge and it is also moving in this direction. Okay, so there is a charge movement, there will be a current also. Now what is the difference between these two currents? Suppose we have a current flowing here and we have a current flowing here. So what is the difference between these two charges? Now ek baat aur dhyan rakhna, जितने भी मैंने आपको बताया मेटल्स के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. सपोज इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड देर इज अ पॉजिटिव चार्ज. सपोज वी हैव अ प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. सो दोनों की डायरेक्शन सेम है मूवमेंट की, बट इनमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट होंगी. अब एक चीज का ध्यान रखना है, जब पॉजिटिव चार्ज, वेन एवर पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी सेम एज द चार्ज, एज द डायरेक्शन ऑफ चार्ज. तो जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी. लेकिन इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव पार्टिकल्स जब होंगे, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज. अगर चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी. अब हमारे पास आया वर्ड करंट. सो हमने देखा व्हाट इज करंट. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज करंट. द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, बट वी हैव अ पर्टिकुलर डेफिनेशन फॉर करंट. ओके, वो मैं भी आप लोगों को साथ डिस्कस करूंगा. लेकिन हमें यहां पर दो चीजों का ध्यान रखना है. इफ वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट, वी रिप्रेजेंट करंट विद द सिंबल आई. Okay, so I am representing it here. If we have a positive charge and the direction of charge is this, flow of charge is this, then the direction of current will be same. But if we have a negative charge and charge is flowing in this direction, then the direction of current will be opposite to the flow of चार्ज. तो ये दोनों में डिफरेंस है. हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो हमें ये ध्यान रखना है. अब पूरे सिलेबस में हमें क्या ध्यान रखना है, हमने देखा था हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. और पॉजिटिव और नेगेटिव में से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे. तो हमारे पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज था, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हमारे पास फ्लो होने के लिए नहीं था. तो जब भी नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो करंट फ्लो होगी और उसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज. सो हम मेनली इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत कम डिस्कस करेंगे. मेनली आपके सिलेबस में हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट है डिस्कस करने के लिए. सो अभी हमने देखा अगर चार्ज फ्लो होता है तो करंट भी फ्लो होती है. अब डेफिनेशन, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज करंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट. करंट वी रिप्रेजेंट करंट विद द सिंबल कैपिटल आई. ओके, एंड द फॉर्मूला ऑफ करंट is equals to I is equals to Q upon T, where Q is charge, we know this term already, and T is time. So in class 9th I told you about if we divide anything with T,
if we divide anything with t, then we call it rate. Okay, so अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है. सपोज फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू चार्जेस विच आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, वी हैव टू इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन इन 1 सेकेंड. सो करंट कितना होगा, वी हैव टू चार्जेस, सो क्यू इज इक्वल टू टू डिवाइड बाई टाइम इज 1, सो करंट विल बी आई इज इक्वल्स टू 2. We represent current with unit ampere. We have the unit of current is ampere, and we represent it with the symbol capital A. So I is equals to 2 ampere. Okay. Now, what is the definition of current? Now, rate of flow of charge is known as current. Kis rate se चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं करंट. रेट मींस कितनी देर में कितने टाइम में कितने चार्ज फ्लो होते हैं. सपोज किसी ने बोला, हमारे पास एग्जांपल है, 5 चार्ज फ्लो होते हैं, सो क्यू इज इक्वल टू 5 कूलोम इन 10 सेकेंड, सो टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स. ओके, सो व्हाट विल बी द करंट, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इज 5 डिवाइड बाय टाइम 10, सो वी हैव द आंसर 1/2 एम्पियर एज द आंसर. Now this is how we calculate the current. Now consider a piece of metal. हमारे पास एक metal piece है जो हमारे पास रखा हुआ है. क्या उसके अंदर क्या हो रहा है, actually what is happening inside the material, वो अब हम देखते हैं. Now suppose we have a piece of metal which have a large number of free electrons inside the piece of metal, and all the free electrons inside this metal are moves continuously in random direction. Random direction means, suppose this electron is moving in this direction, this electron is moving in this direction, so all of them are moving in random direction, they have no particular direction. So but as the electrons are moving inside this piece of metal, there should be a current flowing in this piece of metal, but there is no current inside a piece of metal which is lying around us. Why? Because the net movement of the charge is zero, the net movement of the electrons is zero. अब इसका मतलब क्या है, means अगर एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा. अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो नीचे की साइड मूव कर रहा है, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसा जरूर होगा जो ऊपर की तरफ मूव करेगा. ठीक है, तो ये अगर नीचे मूव कर रहा है, ये ऊपर मूव कर रहा है, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देता है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं. इसी तरीके से जब हमारे पास पूरा पीस ऑफ मेटल होगा, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो सभी एक दूसरे के फ्लो को ऐसे कैंसिल कर देंगे, और इसलिए किसी पीस ऑफ मेटल में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है. अब करंट अगर हमें फ्लो करवानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा.